डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दम भर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद में डिप्टी सीएम केशव के घर के पास वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। लोगों की माने तो इस सड़क की करीब 10 साल से मरम्मत नहीं हुई, जिस वजह से पूरी रोड पर ही जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हाँ सर, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि काफी समय से लोग भी इसका प्रयास करते हैं, लेकिन ये रोड जो है बन नहीं पा रही है, और इसके कारण से जो है जगह जगह गड्ढे हैं। सीवर लाइन भी जो है यहाँ से गई हुई है, मतलब वहाँ भी गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से आम आदमी को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। किसी समय भी कोई भी घटना घट सकती है। बगल में केशव जी का भी मकान जी 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 हाँ, उप मुख्यमंत्री का है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। नई सरकार बनते ही घोषणा की गई थी कि जून 2017 तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के घर के बगल की सड़क आज भी गड्ढा युक्त है और हादसों को दावत दे रही है। इलाहाबाद से सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी।